रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने से जुड़ा लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया है। 47 वर्षों में यह रूस का पहला मिशन है। इससे पहले जब सोवियत संघ था तब 18 अगस्त 1976 को लूना 24 मिशन चांद पर उतरा था। यह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जो सोयूज 2 फ्रिगेट रॉकेट के जरिए स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:10 पर लॉन्च हुआ। इस रॉकेट का एक स्टेज रूस के एक गांव में गिर सकता था जिसके कारण उसे खाली करा दिया गया। लूना 25 से पहले भारत का चंद्रयान मिशन जुलाई के मध्य में लॉन्च किया गया था। दोनों के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की संभावना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले कौन उतरेगा यह देखने के लिए पूरी दुनिया इस रेस पर नजर गड़ाए हुए है। लूना 25 को लूना ग्लोब लैंडर भी कहा जाता है। यह एक वर्ष तक चंद्रमा के ध्रुवीय मिट्टी की संरचना और बहुत ही पतले चंद्र बाह्य मंडल या चंद्रमा के अल्प वातावरण में मौजूद प्लाज्मा और धूल का अध्ययन करेगा। रूस का यह लैंडर 4 टांगों वाला है। इसमें लैंडिंग रॉकेट, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाला एक रोबोटिक आर्म होगा। शुरुआत में रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लूना 25 के साथ ही लूना 26, लूना 27 और मंगल ग्रह के रोवर पर एक साथ काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों की यह पार्टनरशिप रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद खत्म हो गई। भारत का चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके भी 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना है। इसी सप्ताह उसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है। इस मिशन की खासियत की बात करें तो इसमें एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लूना 25 में रोवर नहीं है। अगर रूस का मिशन भारत से पहले लैंड भी हो जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर रोवर चलाने वाला पहला देश भारत ही बनेगा। हालांकि लूना 25 जहां एक साल का मिशन है तो भारत का चंद्रयान सिर्फ 14 दिनों तक ही चांद की कक्षा में काम करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।